और इधर हनुमान बेनीवाल की पार्टी और भाजपा के बीच गठबंधन का बाड़मेर जैसलमेर से निवर्तमान सांसद कर्नल सोनाराम ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि वे काफी समय से इसकी कोशिश में थे और अब जाकर उन्हें सफलता हासिल हुई है। कर्नल सोनाराम ने 13 फरवरी को ही इसका ऐलान कर दिया था। कर्नल सोनाराम ने कहा कि हनुमान बेनीवाल और भाजपा के बीच घनिष्ठ संबंध रहे हैं और इसी कारण आज फिर से बेनीवाल भाजपा का साथ दे रहे हैं। हनुमान मुझे सुना, मैंने पढ़ा तो नहीं, कोई कह रहा था इस तरह से। अभी हनुमान तो देखो आप, वो आज़ाद है, अपने पहले भी निर्दलीय है, अभी भी निर्दलीय है, वो कमेंट करता रहता है, उसमें टिप्पणी नहीं करूँगा। पर ये बात जरूर है किसानों के किसी की, ये तो गुजरे से जाटों से दूर से काम नहीं चलता है, उन्होंने जरूर कहा कि ये थोड़े कहीं गुजरे के साथ है, और RLP है, कई जगह अच्छे वोट मिले हैं उनको, मेरे वहाँ पर RLP किया है, RLP से मुझे काफ़ी नुकसान हुआ। मैं हनुमान बेनीवाल जो कहा, 3-4 सीटें मेरी उससे नुकसान हुई, तो वहाँ RLP को सिर्फ जाटो तो ज़्यादा दिए पर सब जाते दिए। RLP में एक वहाँ खड़ा हुआ था शिव से, उदूदराम जी मेघवाल थे, इधर जाट था, मेरे सामने एक मुसलमान खड़ा हुआ और 15 से कल भी खड़ा हुआ, तो ये सारी हुई। पर ये कुछ मैं उसके, मैं उनके संपर्क में हूँ, मुझे उम्मीद है कि वो किसानों का नेता बन रहा है और काफ़ी हद तक उन्होंने अपना किया है। पर मैंने उनसे एडवाइस करता रहता हूँ, आप इस तरह से काम करो ताकि अपने किसानों का फायदा।